सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि आपका जो वर्नियर कैलिपर है वो आपका अप्लाइड फिजिक्स का पहला प्रैक्टिकल है। मैंने आप सबसे पूछा था कि आप सब पहले क्या चाहोगे, आप फिजिक्स का प्रैक्टिकल चाहते हो या फिर मैकेनिक्स का। तो बहुत सारे मेजोरिटी स्टूडेंट ने बोला कि भैया पहले फिजिक्स का बनाओ। देखो मैं अभी धीरे धीरे करके आपका मैकेनिक्स का भी बनाना स्टार्ट करूंगा, लेकिन हम अभी के लिए सिर्फ फिजिक्स का जो आपका प्रैक्टिकल है उसको हम आगे की तरफ लेके चलते हैं। स्टार्टिंग हो चुकी है, मैं धीरे धीरे मैकेनिक्स का प्रैक्टिकल भी लेके आऊंगा। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं जो आपका वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर आपका अप्लाइड फिजिक्स का पहला प्रैक्टिकल, ये सब तो आपको पता है। और सेम इसी तरीके से ज्यादा चेंजेस नहीं होता, बस स्क्रू गेज जो है आपका यानी कि सेकंड प्रैक्टिकल है वो भी बिल्कुल सेम होता है। अगर आपको पहला प्रैक्टिकल समझ में आ गया तो सेकंड में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपको पहला प्रैक्टिकल समझ में नहीं आया यानी कि वर्नियर कैलिपर ठीक से समझ में नहीं आया तो आपको स्क्रू गेज नहीं समझ में आ सकता ठीक तरीके से, राइट। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो भी हम आपको प्रैक्टिकल यहां पे परफॉर्म कराएंगे, देखो प्रैक्टिकल तो हम यहां पे परफॉर्म नहीं करा सकते, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रियल फील देने की कोशिश करूंगा जैसा कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए सारी चीजें। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि देखो जो वर्नियर कैलिपर है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो वर्नियर कैलिपर का क्यों नीड पड़ा यानी कि हमें जरूरत क्यों पड़ी, एंड हम उसके बाद देखेंगे कि उसका यूजेस क्या है उसका, ठीक है, यूज क्या है वर्नियर कैलिपर का। एंड देन हम देखेंगे बेसिक कंस्ट्रक्शन यानी कि कंस्ट्रक्शन भी तो आनी चाहिए आपको, जैसे आपका वर्नियर कैलिपर है तो उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन आना चाहिए। जब आप ये सारी चीजें समझ लोगे तब भी उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि उसके बाद हम इससे रीडिंग किस तरीके से लेंगे। सबसे पहले तो लिस्ट काउंट पता होना चाहिए। अब एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, जैसे आपका स्केल होता है, जो भी आपका जनरल स्केल होता है उसमें आप देखते हो कि उसका लिस्ट काउंट होता है यानी कि आप उसमें मिनिमम मेजरमेंट कितनी ले सकते हो, तो 0.1 मीटर ले सकते हो। इसी तरीके से वर्नियर कैलिपर में आपको पता होगा कि हम लिस्ट काउंट कितना लेते हैं, जो भी छोटी मेजरमेंट होते हैं उसको हम लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो लिस्ट काउंट यानी कि आप छोटा मेजरमेंट क्या ले सकते हो वर्नियर कैलिपर से, आपको पता कैसे निकालते हैं 1 MSD - 1 BSD, लेकिन क्यों निकालते हैं कि आपको यह पता नहीं पता है ना, क्यों निकालते हैं ये पता है आपको नहीं पता। आपने अगर पढ़ा भी होगा तो आपको ये चीजें नहीं पता है कि 1 MSD - 1 BSD क्यों होता है, ये चीजें आपको नहीं पता है, लेकिन हम मैं आपको पूरा पूरा ठीक तरीके से बताने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल आपको रियल फील देने की कोशिश करूंगा वर्नियर कैलिपर के बारे में। और तो यहां पर देखिए, हम एक वीडियो में आपको सारा कुछ नहीं बता सकते वर्नियर कैलिपर का, इसलिए हमने इसके 5 लेक्चर डिसाइड करे यानी कि 5 इसके लेक्चर आएंगे, उसके अंदर यानी कि सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 5 जो लेक्चर है आपके बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो होंगी, जैसे आपके 10 मिनट के 15 मिनट की ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा वीडियोस नहीं जाएंगी ताकि आपको सही तरीके से सारी चीजें समझ में आ सके, क्योंकि थ्योरी नहीं है कि मैं बहुत लंबी वीडियो बना दूं बोर हो जाओगे आप सब, तो इसलिए हम धीरे धीरे करके सारी चीजों को डाइजेस्ट करते हुए चलेंगे। और ये जो जितनी भी चीजें आपके प्रैक्टिकल के अगर आप एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हो ना तो वहां पर बहुत ज्यादा यूजफुल है। जो आपका कॉलेज होता है उसके अंदर बिल्कुल सही तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि जल्दी कराना होता है, लेकिन मैं आपको पूरी चीजें सही तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहां पर देखिए हमारे 5 जो लेक्चर है, सबसे पहले मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, सबसे पहला जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यूजेस क्या है, नीड क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे नीड यानी कि वर्नियर कैलिपर की नीड क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी हमें, राइट। जैसे हमारे पे जनरल स्केल तो था ही, लेकिन जनरल स्केल होने के बाद भी हमारे इसकी जरूरत क्यों पड़ी है वर्नियर कैलिपर की, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नीड, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे यूजेस, इसके क्या-क्या यूजेस हो सकते हैं, एंड देन हम उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक सॉरी यहां पे बेसिक कंस्ट्रक्शन आएगा आपका, उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक कंस्ट्रक्शन यानी कि जो इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से, तो कंस्ट्रक्शन हम बेसिक कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। ये जो इतनी चीजें हैं है ना, ये जो थ्योरिकल टाइप का हो गया इसको हम पहले लेक्चर में ही देख लेंगे, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। एंड देन यहां पे देखो दूसरे लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज लीस्ट काउंट यानी कि लिस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर का। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को पता है कि जो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है वो -1 MSD - 1 BSD होता है ना, लेकिन यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा MSD क्या है, MSD आपका क्या है बताओ, MSD है मेन स्केल डिवीजन और ये क्या आपका वर्नियर स्केल डिवीजन। लेकिन ये क्यों होता है, ऐसा क्यों करा जाता है, लिस्ट काउंट का मतलब क्या, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट आप ये क्यों ले सकते हो, है ना, कहां से आया ये, किसने बताया, बस बुक में लिखा होगा आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से क्लियर करते हुए चलूंगा कि ये कहां से आया है और क्यों हम इसको यूज करते हैं, राइट। एंड देन हम उसके बाद बात करेंगे हाउ टू डिटरमाइन यानी कि हम लिस्ट काउंट को किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट, और मैं आपको सारी चीजें समझाते हुए चलूंगा। अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो आपको पता है इसके अंदर 2 स्केल होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल पे आपकी मार्किंग नहीं होती, मेन स्केल पे मार्किंग होती है। तो ये सारी छोटी-छोटी चीजें जो है ना वाइवा के लिए, ये वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने अभी बोला है, तो जितनी भी छोटी-छोटी चीजें हैं मैं उस टाइम बोल दूंगा कि ये वाइवा का क्वेश्चन है, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे लिस्ट काउंट का किसके अंदर,
दूसरे लेक्चर के अंदर, ये चीजें तो क्लियर हो गई। एंड देन हम बात करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे लेक्चर नंबर थ्री, लेक्चर नंबर थ्री के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू टेक रीडिंग, यानी कि हम रीडिंग किस तरीके से लेंगे वर्नियर कैलिपर से। ठीक है, हमें लिस्ट काउंट पता चल गया, इसके यूजेज पता चल गए, कंस्ट्रक्शन पता चल गया, लेकिन मेन रीजन तो यह है कि हम इससे रीडिंग किस तरीके से लेंगे। जैसे मान लो ये है, इसका मुझे डायमीटर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम रीडिंग लेंगे, है ना। रीडिंग हम किस तरीके से नोट डाउन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर दो स्केल है, एक तो आपको मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है, तो हम किस तरीके से इसकी रीडिंग को लेंगे। एंड देन हम बात करेंगे, ये आपका हो गया तीसरा लेक्चर, तीसरे लेक्चर के अंदर हम ये एक्सप्लेन कर देंगे आपको। एंड आपका जो फोर्थ लेक्चर है उसके अंदर देखेंगे व्हाट इज जीरो एरर, यानी कि जीरो एरर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जीरो एरर क्या होता है, एंड देन हम उसके बाद बात करेंगे कि एरर कितने टाइप के होते हैं। जैसे आपको पता है कि एरर जो आता है वर्नियर कैलिपर पे वो दो टाइप का आता है, है ना। देखो ना, किसी भी स्केल से मेजर करते हो तो कुछ ना कुछ तो एरर आता ही है। एरर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दो टाइप के आपके एरर होते हैं, एक तो आपका पॉजिटिव एरर और एक होता है आपका नेगेटिव एरर। ठीक है, इनको हम किस तरीके से फाइंड आउट भी करेंगे, ये भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हाउ टू डिटरमाइन इट, यानी कि हम इसको किस तरीके से निकालते हैं, तो ये चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन आप देख सकते हो इसके बाद है आपका लेक्चर नंबर फाइव, इसके अंदर हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट, यानी कि देखो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करके दिखाऊंगा। देखो मेरे पे वर्नियर कैलिपर तो नहीं है, वर्नियर कैलिपर मेरे पे नहीं है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा और आपको सारी चीजें समझाऊंगा अगर आप लैब में परफॉर्म करते हो तो आपको किस तरीके से करना है वर्नियर कैलिपर के थ्रू। तो यहां पे देखो हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, हम करेंगे हाउ टू मेजर डायमीटर ऑफ वायर बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। ठीक है, ये वर्नियर स्केल लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो वर्नियर कैलिपर के थ्रू हम किस तरीके से डायमीटर मेजर कर सकते हैं, किसका, वायर का, या फिर वायर की जगह आप यहाँ पे बोल सकते हो सिलेंडर का, है ना। सिलेंडर का अगर हमें डायमीटर मेजर करना हो, या फिर मान लो रेडियस मेजर करना हो, है ना, अगर आप डायर निकालोगे तो रेडियस निकल ही जाएगा, डायमीटर अपॉन टू कर दोगे तो रेडियस आ जाएगी, तो हम किस तरीके से निकालेंगे ये भी हम देखेंगे किसमें, लेक्चर नंबर फाइव में। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और इसके अंदर एक्सपेरिमेंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेरिमेंट आपको किस तरीके से लिखना होगा। जैसे पहले आपको पता है कि आपको ऑब्जेक्टिव लिखना होता है, फिर उसके बाद आपको एप्रेटस लिखना होता है, फिर थ्योरी लिखनी होती है, एंड देन उसके बाद आपको क्या बताना होता है, प्रोसीजर। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन भी टेबल आपको बना के दिखाएंगे कि ऑब्जर्वेशन टेबल हम किस तरीके से बनाते हैं और आपको रीडिंग को किस तरीके से लेना है। उसके लिए आपको ये सारी ऊपर वाली चीजें आनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको ये सारी ऊपर वाली चीजें आनी चाहिए जितनी मैंने बताई, जैसे कि आपका हो गया नीड्स क्या है, कंस्ट्रक्शन आपको सही तरीके से पता होना चाहिए, एंड देन उसके बाद आपको लिस्ट काउंट पता होना चाहिए वर्नियर कैलिपर का, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन आपका जो तीसरा है वो आपको पता होना चाहिए रीडिंग किस तरीके से लेते हैं, तभी तो भाई डायमीटर का तभी तो आप सिलेंडर का डायमीटर निकाल पाओगे, वरना कैसे निकाल पाओगे। एंड देन उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो एरर क्या होता है, इसमें एरर तो नहीं आ रहा, एरर आ रहा है तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, कौन सा एरर है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो ये सारी चीजें। एंड देन उसके बाद आपका फिफ्थ है, फिफ्थ में हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट में हाउ टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर बाय यूजिंग वर्नियर स्केल। तो ये आपका पूरा कंप्लीट लेक्चर था, ये हम पांच लेक्चरों में कंप्लीट करेंगे वर्नियर कैलिपर को, जल्दी हो जाएगा। आप ये मत सोचना भैया पांच लेक्चर कैसे करेंगे, हम आराम से करा देंगे आपको, ठीक है। बस आपको क्या करना है, कंटिन्यू वीडियो देखिए, अगर आप कोई भी वीडियो मिस करते हो तो हो सकता है, अगर आप जंप मत करना, मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे आपने पहली वीडियो देख ली, ठीक है, दूसरी मिस कर दी, तीसरी पे आ गए, तो वैसे भी आपको लिस्ट काउंट फिर पता करना पड़ेगा, बिना लिस्ट काउंट के ये रीडिंग नहीं निकलेगी, है ना। मान लो आपने ये मिस कर दिया, यहाँ पे आगे डायरेक्टली, तो आपको अगर रीडिंग लेना ही नहीं पता तो ये कैसे पता चलेगा जीरो एरर वगैरह, है ना। इसलिए आप कोई सा मिस नहीं मत करना, मेरे साथ कंटिन्यू करना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको वर्नियर कैलिपर बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा। हम उसके बाद प्रोसीड करेंगे आपका स्क्रू गेज पे, राइट। इतनी चीजें तो क्लियर हो गई, तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। प्लीज आप सब सपोर्ट जरूर दिखाना कमेंट में, ताकि मैं इसी तरीके से और भी कंटिन्यू वीडियो बना सकूं। और जितने भी मैकेनिक्स वाले स्टूडेंट हैं वो सब बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं धीरे धीरे करके उनके लिए भी प्रैक्टिकल्स की वीडियो लाना स्टार्ट करता हूं। प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन सबको भी ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।